मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए के हाथ एक और सुराग लगा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, 25 फरवरी को अंबानी के घर के करीब मिले स्कॉर्पियो कार के पीछे जो इनोवा कार चल रही थी उसे सचिन वाजे चला रहे थे। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो और इनोवा चलाने वाले लोग सचिन वाजे की टीम की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अधिकारी थे। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इनोवा कार से ही सचिन वाजे और क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के दो और अधिकारी मुलुंड टोल प्लाजा से होते हुए गुजरे। इससे पहले एनआईए ने जो काली मर्सिडीज जब्त की है उसे स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट मिली है। साथ ही मर्सिडीज कार से 5 लाख से ज्यादा कैश, कई नंबर प्लेट्स और एक डायरी के साथ पेट्रोल डीजल भी बरामद हुआ है। एनआईए ये कह रही है कि ये मर्सिडीज कार एपीआई सचिन वाजे की हो सकती है। सचिन वाजे जिस सफेद लिबास में 25 फरवरी को दिखा उसे भी बरामद करने का दावा किया जा रहा है। एनआईए ने जिस काले रंग की मर्सिडीज को जब्त किया है उसकी एक पुरानी तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर परिसर की है। तब की तस्वीर है ये, जब एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एनआईए का दावा है कि वाजे तब इसी मर्सिडीज का इस्तेमाल किया करते थे। इस मर्सिडीज को एनआईए ने अब जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि वाजे की गिरफ्तारी और अब इस मर्सिडीज से मिली चीजों से इंटीलिया वाली साजिश के कई राज बेनकाब हो सकते हैं। एनआईए सूत्रों के हवाले से एक और चौंकाने वाली खबर ये कि साजिश वाले दिन सचिन वाजे ने पीपीए किट नहीं पहनी थी, सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक वाजे ने 25 फरवरी को बड़े रूमाल से अपना सर भी ढक लिया, चेहरा ना दिखे इसके लिए एक मास्क पहन लिया ताकि सीसीटीवी को वो चकमा दे सके। वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। दावा है कि कार में रखे तेल के बाद कुर्ता पैजामा और बाकी चीजों को उन्होंने उस तेल से जला दिया। एबीपी न्यूज से मुंबई पुलिस के एक बड़े अफसर ने खुलासा कर बताया है कि जिस विक्रोली पुलिस स्टेशन ने मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो गाड़ी का केस दर्ज किया था उसमें पुलिस ने भी कुछ गड़बड़ियां की हैं। एंटीलिया केस की जांच में जुटी मुंबई पुलिस को शक है कि किसी ने फोन कर विक्रोली पुलिस को नियमों का उल्लंघन कर केस दर्ज करने को कहा था। अब अंदरूनी स्तर पर भी इस मामले की जांच हो रही है। खबर है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह जल्द बदले जा सकते हैं। कल रात मुख्यमंत्री आवास पर परमजीत सिंह की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक 4 घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो अपनी बात सीएम के सामने रखे परमजीत सिंह सीएम आवास के बाद वापस गए। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ का नाम मुंबई कमिश्नर के लिए सबसे आगे चल रहा है। मंगलवार को गृहमंत्री अनिल देशमुख ने रजनीश सेठ से करीब 1 घंटे तक मुलाकात भी की। रजनीश सेठ अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर है। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच पर महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्म है और यह गर्मी अब पहुंच गई है बंगाल। मंगलवार को पश्चिमी मिदनापुर की रैली में राजनाथ सिंह ने बंगाल को बम फैक्ट्री बताते हुए ममता सरकार पर वार किया, तो एंटीलिया केस में एनआईए जांच को लेकर गुस्साई शिवसेना ने राजनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में आकर बम बन रहा है तो वहां एनआईए क्यों नहीं जाती, जेलेटिन की 20 टुकड़े मिलने पर पूरी एनआईए मुंबई आ जाती है। ममता के जख्मी होने की घटना पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना को लेकर एक एक बिंदु का पूरा ब्यौरा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ममता के जख्मी होने का कारण सुरक्षा कर्मियों में सामंजस्य की कमी बताया। साथ ही ये भी कहा गया है कि ममता बनर्जी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और उनको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना चाहिए था, लेकिन घटना के दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठी नहीं थी। बंगाल चुनाव में आज 2 बड़ी हलचल रहने वाली है। एक तरफ ममता बनर्जी घोषणा पत्र जारी कर सकती हैं। चोट लगने के बाद रिलीज किए गए आधिकारिक गाने में टीएमसी ने बंगाल में बेटी का दांव खेला है। अब आज शाम 5 बजे टीएमसी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इससे पहले 9 मार्च को कोलकाता में आग लगने और 11 मार्च को ममता के चोटिल होने की वजह से घोषणा पत्र का ऐलान पहले ही 2 दफा टल चुका है।
दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम होने वाली है। बैठक में बंगाल के लिए बाकी रह गए उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं, जबकि उससे पहले सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। बंगाल में चुनावी सरगर्मी को देखते हुए पीएम मोदी के प्रचार कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी को पहले ही मैदान में उतरना पड़ रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी अब दो दिन पहले ही प्रचार शुरू करने वाले हैं। पीएम मोदी कल पुरुलिया से प्रचार शुरू करेंगे। पहले ये रैली शनिवार को होनी थी। इसके बाद पीएम 20 मार्च को खड़गपुर, 21 को बांकुरा और 24 मार्च को कांटी मिदनापुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी की 20 रैलियां होनी है। कल पुरुलिया में बीजेपी के रथ को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी टीएमसी पर फिर हमलावर है। दरअसल बीजेपी ने आंबेडकर सम्मान यात्रा के लिए यह रथ तैयार किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली के बाद ही टीएमसी समर्थकों ने रथ पर हमला कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रथ में सवार ड्राइवर और दूसरे लोगों के साथ मारपीट भी की है, जबकि टीएमसी इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। प्रचार के लिए मिदनापुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांगुली की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और बंगाल की जनता को ये बताना भी नहीं भूले कि वो भी दादा के दीवाने हैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से गांगुली को बीजेपी में शामिल करने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सौरभ गांगुली ने अपने पत्ते अब तक खोले नहीं है। बीजेपी ने अभी चौथे चरण के लिए लिस्ट जारी की है, यानी चार चरण के उम्मीदवारों के नाम अभी भी बाकी हैं और गांगुली के शामिल होने की गुंजाइश है। बंगाल चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए नया दांव खेला। कोतुलपुर में नड्डा ने कहा कि ओबीसी वर्ग में पिछड़े हिंदू शामिल होंगे। नड्डा ने आरक्षण के जरिए ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप चढ़ा। नंदीग्राम में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी है। नड्डा का ये बयान दरअसल बंगाल के उस आवाज को उठाने के लिए है जो अब तक दबी हुई थी या फिर दबी आवाज की तरह ही सुनाई देती थी। मौजूदा बंगाल में ओबीसी आरक्षण में करीब 66% हिंदू जातियां हैं। बीजेपी तो लगातार ममता सरकार पर हमलावर है ही, अब कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर गर्ल ट्रैफिकिंग का बड़ा आरोप लगा दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोयले और गाय की तस्करी के साथ बंगाल में माँ बेटी और बहनों की भी तस्करी की जाती है। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और नौकरशाही पर तस्करी का आरोप लगाया और कहा कि इसीलिए कोई पकड़ा नहीं जाता। बंगाल में ओवैसी की ताकत जमीर हसन ने पार्टी छोड़ दी है। जमीरुल अब इंडियन नेशनल लीग की बंगाल इकाई को खड़ा करेंगे। जमीरुल ही AIMIM की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष थे, अब उनकी नजदीकी टीएमसी के साथ बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो ओवैसी की अब्बास सिद्दीकी से दोस्ती की वजह से AIMIM के स्थानीय नेता अब नाराज चल रहे थे। अब्बास सिद्दीकी पश्चिमी बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह में पीरजादा हैं। अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। देश में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 29,000 के नए केसेस सामने आए हैं। 187 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। मोदी सरकार गंभीर दिख रही है। आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी 12 बजे बात करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बड़ी बैठक में मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की जाएगी। वैक्सीनेशन पर भी बात होगी। पीएम राज्यों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान का भी फीडबैक लेने वाले हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। एक तरफ कोरोना को लेकर चर्चा चल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए अब राज्य सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 17,800 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। 87 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। मंगलवार को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के तमाम दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही अब काम करेंगे। इन जगहों पर बिना मास्क के एंट्री की इजाजत किसी को भी नहीं होगी। ये गाइडलाइंस 31 मार्च तक के लिए लागू कर दी गई हैं।
सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में भी कोरोना ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे देखते हुए कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 1,018, केरल में 1,054, गुजरात में 890 और इसके अलावा तमिलनाडु में 836 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। ABP News आपको रखे आगे।